जादुई की दुनिया। एक गांव में चुन्नू नाम का एक लड़का रहा करता था। चुन्नू बड़ा ही होशियार लड़का था। वो रोजाना जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलने जाया करता। एक बार की बात है, चुन्नू, रानी, भीमा और सोनम ये चारों दोस्त एक साथ खेल रहे होते हैं। यार, ये रोजाना घर घर खेल कर बोर हो गए हैं। हाँ यार, रोज तो वही चिड़िया और कबूतर उड़ाते हैं हम। और मम्मी ने तो सख्त मना कर दिया कि गुड्डा गुड्डी की शादी वाला खेल नहीं खेलना है। तो अब हम क्या खेलेंगे? यार वही तो मैं सोच रहा हूँ। मैंने सुना है कि जंगल में नदी में बहुत सारे प्यारे प्यारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं और वो किसी को भी क्षति नहीं पहुँचाते हैं, तो हम उनके साथ खेल सकते हैं। क्या सच में ऐसा है क्या? हाँ, सुना तो मैंने भी है। तो चलो दोस्त, आज हम जंगल जाएंगे। ये बहुत मजा आएगा। फिर सभी दोस्त उछलते कूदते गाते हुए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। जिंदगी सवार दे, एक नहीं बहार दे, ये तो दुनिया का एक प्यारा सा रिश्ता है, दोस्ती। हाँ हाँ दोस्ती, दोस्तों को हंसाता है, पल में ये रुलाता है, एक दूसरे पर गुस्सा ये दिलाता है, टाइम आने पर मान जाता है, ये है दोस्त ही, ये है दोस्त ही। यार तुम दोनों कितना प्यारा गाना गाते हो। हाँ यार, कितने सुपर हैं, अमेजिंग। फिर चारों दोस्त हंसते खेलते जंगल के अंदर बढ़ते चले जाते हैं। तभी अचानक से चारों दोस्त एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। हम कहाँ आ गए? अरे डरपोक, चिल्ला मत, हम जमीन के अंदर गिर गए। यार यहाँ तो लाइट भी नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। अरे डफर, तुझे जमीन के नीचे लाइट कहाँ से मिलेगी? मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी अगर मैं उन्हें नहीं दिखा तो। ये अंधेरे में तो तू मुझे नहीं दिख रहा है, मम्मी को कैसे दिखेगा डफर? यार कैसे निकले यहाँ से? मुझे अब रोना आ रहा है जोर जोर से। तभी वहाँ अचानक से एक बड़ी सी चमकती हुई जादुई चाबी आ जाती है। अरे अरे बच्चों, रो मत, क्यों रो रहे हो? वही इतनी बड़ी चाबी ऊपर से बोल रही है। ये देखकर चारों बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तुम कौन हो? दूर रहो हमसे। अरे अरे डरो मत, मैं तो हूँ प्यारी सी, जहाँ में निराली सी, न्यारी और प्यारी प्यारी जादुई चाबी। अगर तुम इतनी ही प्यारी हो तो जल्दी से हमें यहाँ से निकालो। हाँ, तभी हम मानेंगे कि तुम सच में बहुत प्यारी हो। हूँ मैं प्यारी मगर शरारती, सुनती हूँ मैं सबकी, करती अपने मन की। मुझे तो लग रहा है ये कोई जादू ही नहीं बल्कि भूतिया चाबी है। मम्मी बचाओ। अब ना आएगी मम्मी, ना आएंगे पापा, बस आएगा डर और साथ में बाहर निकलने की उम्मीद। मतलब ये है कि बच्चों, मैं एक जादुई चाबी हूँ और यहाँ अंधेरे में एक जादुई दरवाजा है। अगर जिसने भी वो दरवाजा खोल लिया वो दूसरी दुनिया में पहुँच जाएगा और वहाँ से तुम्हें मिलेगा बाहर जाने का रास्ता। तभी सभी बच्चे वहाँ जादुई दरवाजा खोजने लगते हैं। तभी रानी को वो दरवाजा मिल जाता है। जादुई चाबी, ये यहाँ है जादुई दरवाजा। क्या बात है होशियार बच्ची, बहुत जल्दी ही खोज निकाला तुमने दरवाजा। फिर सभी बच्चे खुश होकर दरवाजे में चाबी लगाते हैं और ऐसा करते ही वो दरवाजा खुल जाता है और वो बहुत तेज रोशनी प्रकट करता है। बस सभी बच्चे दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जो होती है जादुई चाबी की दुनिया। वहाँ हर तरफ चाबी ही चाबी होती है। अब ये क्या है? अभी तक तो एक चाबी से पाला पड़ा था, यहाँ तो दर्जनों चाबी हैं। तभी फिर से वहाँ जादुई चाबी आती है। यही तो है चाबी का कमाल, अब तो होगा असली धमाल, जब तुम ढूंढोगे मुझको और लगाओगे उस दरवाजे में, तब खुलेगा दरवाजा और तुम होगे आजाद। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। हमें मंजूर है जो भी हो। फिर गेम स्टार्ट होता है और सभी बच्चे चाबी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन चाबी इस बात का फायदा उठाकर कभी ऊपर तो कभी नीचे हो जाती है, जिससे बच्चे उसे पकड़ नहीं पाते। पकड़ो पकड़ो मुझे पकड़ो, अगर हो गई शाम तो तुम घर जाकर कर नहीं पाओगे आराम। इसका मतलब शाम होने के बाद हम घर नहीं जा पाएंगे क्या?
बिल्कुल सही, फिर तो तुम सब बच्चे मेरा शिकार बनोगे। मैं एक ऐसी चाबी हूँ जो दिन में जादुई और रात में भूतिया हो जाती है, और मैं दिन में जादू से मासूम लोगों को पकड़ कर लाती हूँ और रात में उन्हें खा जाती हूँ। चाबी की इतनी भयानक बातें सुनकर सभी बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी सोनम को एक आइडिया आता है। मुझे एक रस्सी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर, लेकिन तुम उसका क्या करोगी? अब तुम जाने तो दोगी नहीं, तो सोच रही हूँ कि यहीं झूला डालकर सो जाऊं। तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। फिर चाबी उसे एक रस्सी देती है। वहीं बाकी बच्चे सोनम पर बहुत गुस्सा होते हैं। तुझे मुश्किल वक्त में मजाक सूझ रहा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। जाओ तुम चाबी के पीछे भागो, मैं तो चाबी के पेट में जाऊंगी। छोड़ दो रानी, इसे समझा कर फायदा नहीं है। फिर दोनों चाबी को पकड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। वहीं सोनम चाबी से ली हुई रस्सी को जोर से उड़ती हुई चाबी पर फेंकती है और वो जमीन पर गिरकर छोटी हो जाती है कि तभी सोनम जाकर उसे उठा लेती है और दरवाजे में लगा देती है। और सोनम के ऐसा करते ही सभी बच्चे वापस से जंगल में आ जाते हैं। जान बची तो लाख हो पाए। हाँ लौट के चुन्नू जो घर को आए। हमें माफ कर दे सोनम, हम तुझ पे गुस्सा हो रहे थे, लेकिन तेरी ही समझदारी से आज हमारी जान बच गई। हाँ वरना वो 2 रुपया चाबी तो हमें खा ही जाती। माफी की कोई बात नहीं दोस्तों, उस समय तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया। चलो अब घर चलते हैं, वरना माँ बहुत मारेगी। फिर सभी बच्चे हंसते खेलते घर की ओर चले जाते हैं।